लिए मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इनकी अपेक्षा है उन पर पूरा खरा उतरेंगे। और मेरे पास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट दिया वो जल संसाधन का है। और क्योंकि सजाइए खुद को ऐसे आभूषणों से जिनसे प्यार करने का मन करे, तनिष्क प्रेजेंस धरोहर। इस दिवाली आइए और पाइए 100% एक्सचेंज वैल्यू पुरानी गोल्ड ज्वेलरी पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल। आप पहली बार अजमेर आए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं का और सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरा पहली बार अजमेर आना हुआ। सब लोगों ने बड़े जोश और खरोच के और भव्य तरीके से मेरे को जो स्वागत करके मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इनकी अपेक्षा है उन पर पूरा खरा उतरेंगे। और मेरे पास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट दिया वो जल संसाधन का है। और क्योंकि जल है तो जीवन है और जल के बिना कल नहीं है, ऐसी हमारे प्रकल्पना भी है, सही भी है। तो हमारे जो भी क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या है, चाहे पीने के पानी के लिए बिसलपुर से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा, उसको भी हम बढ़ाएंगे और बिसलपुर को चंबल से जोड़ेंगे, जिससे कि पीने के पानी की समस्या के लिए समाधान हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। और भी हमारे जो किसान भाई जो संचित खेती करना चाहते हैं उनके लिए हम योजना बना के उनको पानी पहुँचाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सर, 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? देखिए, 100 दिवसीय जो कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमारे विभाग ने भी बनाई है, तो उसके अंदर हम कुछ संचित क्षेत्र बढ़ाने का और डिपार्टमेंट की जो योजनाएं चल रही है उसको और तीव्र गति देने का हमने प्लान बनाया।